लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मतदाता पंजीकरण से वंचित ना रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के मतदाता पंजीकरण अभियान में सहयोग करना चाहिए। इस आशय की अपील नागपुर संभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने व्यक्त की। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची निरीक्षक नागपुर संभाग के आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने मतदाता सूची निरीक्षण प्रथम भेंट के तहत VC के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजकीय दलों और जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक ली। परिषद कक्ष में हुई इस बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मोरे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बिद्री ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के तहत विधानसभा निर्वाचन नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम बताया। राजनीतिक दलों से मतदान केंद्र को सुव्यवस्थित करने, मतदान केंद्र के अनुसार BLO की नियुक्ति, जिले में मतदाता पंजीकरण की वर्तमान स्थिति, 9 दिसंबर तक मतदाता पंजीकरण के साथ साथ स्थानांतरित मृत मतदाताओं के नाम हटाने, नए मतदाता बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया। उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे मतदाताओं को पंजीकरण, नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए सूचित करें। उन्होंने 9 दिसंबर तक नए मतदाता पंजीकरण के संबंध में प्रपत्र सूची में अपना नाम जांच कर आवेदन करने के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।